बोले राजा मानसिंह, चलो राजा साहब के सामने तमीज से पेश आना और जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना। जी भाईजान। राजा साहब की खिदमत में हमारा आदाब। अगर आप मसरूफ ना हो तो आपका थोड़ा सा वक्त चाहेंगे। वक्त किसी का नहीं होता अबुल हसन। जहां पना का आदेश मिला था हमें आपसे बात करने के लिए। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? आपसे एक दरख्वास्त है राजा साहब। ये हमारे छोटे भाई हैं महमूद। ये मुगल सियासत में खुफिया जासूस बनने की तमन्ना रखते हैं। अगर इन्हें कोई सही राह दिखाने वाला मिल जाए तो ये जी जान से मेहनत करेंगे। हम ये बात जानते हैं। होशियार खान को बुलाओ। हमें आशा है महमूद कि आपने अपने बड़े भाई अबुल हसन से बहुत कुछ सीखा होगा। आप में अगर उनकी आधी काबिलियत भी है तो हमारे लिए पर्याप्त होगी। फिर तो आप हमसे बहुत नाखुश होने वाले हैं राजा साहब, क्योंकि हम अपने भाई की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। भाईजान की तारीफ से तो आप वाकिफ ही होंगे, उनका जज्बा, उनकी मेहनत, लेकिन हम जरा कुछ रंगीन मामलों के भी शौकीन हैं। राजा साहब की खिदमत में आदाब अर्ज है। आपने हमें याद किया। यह है महमूद बेग। जहां पना ने आदेश दिया है कि इन्हें जासूसी के गुर सिखाए जाए। जो हुक्म राजा साहब। वैसे गुर तो हमने काफी सीखे हुए हैं, बस चाहिए ये कि इसका सही से इस्तेमाल करना कोई जानता हो। बेशक, आप इनसे बात कर लीजिए, जिनसे उचित लगे मिलवाइए, ये हमारे बहुत काम आने चाहिए। जी। अपने भाई की गुस्ताखी के लिए हम माफी चाहते हैं। वो भले ही हमसे अलग है, उसकी जुबान जैसी भी है, लेकिन उसकी नीयत और उसके इरादों में हमें कोई शक नहीं है। और हम जानते हैं कि बहुत ही जल्द वो मुगल सल्तनत के लिए अपनी वफादारी साबित करेगा। हमें भी यही आशा है। जहांपनाह का कहा हम टाल नहीं सकते, लेकिन आप अपने भाई को वफादारी का अर्थ एकदम ठीक से समझा दीजिएगा। जी हुजूर। जासूस बनना चाहते हो? जी हाँ। तुम्हें इल्म भी है जासूस बनने के लिए क्या खूबियां होनी चाहिए? हम राज को राज रखना जानते हैं, और साथ ही लोगों के दिलों में दबे हुए राज को निकालना भी। अंदर क्या कर रहे थे? बस शहजादे सलीम से मिलने आए थे। सलाम। देख रहे हैं कैसे चापलूसी बढ़ गई है। इतने परेशान क्यों होते हैं, वो भी इससे जिसकी कोई हैसियत ही नहीं। पर शहजादे ने तो इसे अपनी गोद में बिठा दिया है ना। पता नहीं वो इसमें ऐसा क्या देखते हैं। चलिए।
शहजादे, शहजादे हम आपको दानियाल के बारे में आगाह करने आए हैं। वो और अबुल फजल मान सिंह से मुलाकात करके आए हैं और कौन जाने कौन से मंसूबों को हवा दे रहे हैं। हमें मान सिंह से पूछताछ करनी चाहिए। मान सिंह कभी हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। उनकी बहन हमारी बेगम है और वो अच्छी तरह जानते हैं उनके लिए बेहतर है कि वो हमारा साथ दें। जनाब इतना भी भरोसा मत कीजिए। जरूर कोई माजरा है। दानियाल ने रुकैया बेगम से भी मुलाकात की है। वो किस लिए? जाहिर सी बात है, दकन के लिए, सिफारिश करने के लिए। हम आपसे कह रहे हैं शहजादे, समझने की कोशिश कीजिए। दानियाल आपके लिए खतरा बनता जा रहा है। तो उसे लोगों से बात करने से मना कर दे। शहजादे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? वैसे डब्बे में क्या है? देख वैसे ये तोहफा आपको मिला है या फिर आप किसी को देने वाले हैं? बकवास बंद कीजिए और या हमारे हवाले कीजिए। ओहो इतनी बेरुखी, तब तो ये तोहफा इश्क ही है। बताइए बताइए हुजूर, हमसे क्या शर्माना? गोका दीजिए। देख तो लेने दीजिए। ये क्या बेवजूदी चीज है? पकड़े गए ना। अगर ये इश्क मोहब्बत की बात नहीं है तो ये खत यहां क्या कर रहा है? अपने दोस्तों से राज छुपाने का मतलब एक ही होता है और वो ये कि मियां इश्क में है। ये क्या, ये तो खाली है। हो गई तसल्ली? ये फिजूल का फितूर अपने दिमाग से निकालिए और थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। अजीब बात, यकीनन किसी औरत का मसला है। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये तोहफा आपको पसंद आया होगा। पता है इसमें उसी झील का पानी है जिसमें हमने पहले एक दूसरे का चेहरा देखा था। हमने उस झील का पानी महफूज करके अपने पास रख लिया है और आपके पास भी भिजवा रहे हैं। इसकी हिफाजत करिएगा। और हाँ दूसरी बात, सुबह होते ही हम आपसे वहां मिलेंगे जहां आप तीरंदाजी करते हैं। पूरा खानदान मुगल दरबार में घुसने की कोशिश में लगा हुआ है। पूरा खानदान ग्यास बेग का खानदान। पहले बाप ग्यास बेग, उसने जाओ पना के सामने हाथ पसारे। फिर उसकी बेटी को पाशा बेगम के यहाँ नौकरानी बनाया। फिर दोनों बेटों को मान सिंह के पास नौकरी पर लगवाया। तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मतलब जलन के अलावा? हम सही थे। ये सुनो, यास बेग ने अपनी बेटी को अकबर बादशाह के जनाने से शहजादे सलीम के बिस्तर में भेज दिया। तब समझ में आया कि शहजादे सलीम इतने खोए खोए क्यों रहते। यहां वो अपना वक्त जाया कर रहे होंगे और वहां दानियाल पूरे दरबार की वाहवाही लूटकर दक्कन की कार्रवाई अपने हाथों में ले चुके होंगे। हम दानियाल से बात करते हैं और उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि उन्हें तख्त डकारने की इतनी जल्दी क्यों है। यही जल्दी सलीम को भी तो होनी चाहिए ना। जब तक दानियाल को तख्त नहीं मिल जाता
वो कोई भी कोशिश करने से चूकेगा नहीं। वो अबुल फजल की निगरानी में आगे बढ़ रहे हैं, और अगर एक बार उसने दक्कन पर कब्जा कर लिया तो फिर उसे कोई भी नहीं रोक पाए, जहां पना भी नहीं। हमें तो ऐसा लगता है कि शहजादे सलीम ने सारी उम्मीदें छोड़ दी है एक औरत की वजह से। नामुमकिन। जितनी औरतों का शौक पालना है पाले, लेकिन दक्कन की कार्रवाई किसी भी तरह शहजादे सलीम के हाथों में ही आनी चाहिए। शहजादे, ये आप ही हैं कि कोई और जो आपकी आवाज चुरा लाया है? बहुत इंतजार करवाया आपने। हम तो यहीं खड़े थे। तो हमारे सामने क्यों नहीं आए? आपकी निशानेबाजी में खलल नहीं डालना चाहते थे ना शहजादे? हमारा निशाना तो लग गया, आप कोशिश करना चाहेंगी? अगर आप सिखाएंगे तो जरूर। तीरंदाजी के लिए बस ये तीन चीजें याद रहें, ये हाथ, ये दो उंगलियां और ये पैर, तीनों बुलंद रहे, जरा भी ना हिले। अरे आपको तो तीरंदाजी आती है, आपको ऐसा क्यों लगता है? काश आप वो देख पाती जो हम देख रहे हैं। आप निशाना लगाइए, हम जानते हैं कि चूकेगा नहीं। आप हमारे हाथ और पैर की अदा पे मत चाहिए शहजादे। एक अच्छा तीरंदाज होने के लिए जहन में चैन चाहिए, और वो हमारे पास है नहीं। लगता है कि आपको सिखाने वाला शख्स काफी माहिर है। हमें सिखाने वाला शख्स काफी माहिर है, लेकिन कुछ शक है हमें जो वो अभी तक दूर नहीं कर पाए हैं। वो क्या? यही कि कमान पे पकड़ चंगेबाज होनी चाहिए, मुहर्रफ या फिर मरप्पा। जानती सब कुछ है, फिर भी सवाल कर रही हैं। बहुत खूब, लेकिन इसका जवाब तीरंदाज को अपनी उंगलियों से पूछना चाहिए। उंगलियों की बनावट तय करती है कि निशाना कैसा होगा। शहजादे, क्या बात है, आप कुछ खोए हुए से लग रहे हैं। आपके जाने की बात जो आ गई है तो फिर से बुझा बुझा सा लगने लगा है। क्यों? आपके साथ बिताए गए पलों में हमें हमारी ज्याती जिंदगी के लम्हे काटने नहीं दौड़ते। हम आपकी जिंदगी से पहले से ही वाकिफ हैं। अगर आप चाहें अपनी कुछ परेशानियां हमारे साथ बांट सकते हैं। धानिया लब्बू से सारे के सारे बड़े और अहम फैसले अपने हक में ले रहा है, एक से बड़ी एक लड़ाई अपने नाम दर्ज करवा रहा है। अगर इजाजत हो तो हम एक सलाह देने की गुस्ताखी कर सकते हैं। गुस्ताखी? बात तो बराबरी की हुई थी ना, बेझिझक बोलिए। हमें लगता है कि आपको दानियाल का रास्ता छोड़ देना चाहिए। मतलब? दानियाल को दक्कन की जिम्मेदारी ले लेने दीजिए। वहां की धूल और हवाएं उनके दम्मे की बीमारी पर हावी हो जाएंगी, और ऐसी हालत में दानियाल जंग जितना तो दूर सांस लेने के भी काबिल नहीं रहेंगे। दक्कन की जमीन पर जीत
सिर्फ और सिर्फ एक मंजा हुआ खिलाड़ी दर्ज कर सकता है। अहमदनगर, गोलकुंड और बीजापुर के किले की दीवारें इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली शहजादे। दानियाल की ये चढ़ाई आपके और आपकी फौज के लिए तैयारी का एक मौका है। तब तक आप अपना सारा ध्यान राजपूताना पे दीजिए। आपकी राजपूत बेगमों के घरानों का सहारा पहले से ही है आपके पास वहाँ, और अब आपकी फौज को वहाँ लड़ने का तजुर्बा भी है। अगर जीत हासिल ना भी हुई तब भी आप राणा प्रताप की बार्गीगिरी को हथियार बनाकर उनके सारे छोटे छोटे इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं। और एक आखिरी बात, ऐसा करने से आप लाहौर और अपने तख्त दोनों के पास रहेंगे। मानना पड़ेगा, इससे बेहतर सलाह हमें आज तक किसी ने नहीं दी। इजाजत चाहेंगे, मिलेगी। देखकर ऐसा नहीं लगता कि आपकी बातों में इतना तजुर्बा दिखाई देगा। पता नहीं इसे हम अपनी तारीफ समझें या कुछ और, हम तो तारीफ ही समझेंगे। नीसा, 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 पाशा बेगम तुम्हें ढूंढ रही थी, कहां थी तुम अब तक? पाशा बेगम, सलाम पाशा बेगम। हमें क्यों लगता है कि तुम हमें नजरअंदाज करने की गुस्ताखी कर रही हो? कभी नहीं पाशा बेगम, हमने इतने प्यार से तुम्हें कहा कि तुम रोज हमें जगाओगी, मगर तुम भूल गई। हमें माफ कर दीजिए पाशा बेगम, हमसे गुस्ताखी हो गई। कौन सी गुस्ताखी की बात कर रही हो तुम? क्योंकि गुस्ताखियां तो तुमसे काफी हुई हैं। हमें इल्म है कि जगत गोसैनी खुर्रम से मिलने आती रही और तुमने हमें खबर नहीं की। हमें इस बात का भी इल्म है कि तुम्हारी नजर शहजादे सलीम पर है। पाशा बेगम, हम शहजादे से सिर्फ एक दफा मिले हैं। इससे पहले भी सलीम की नजर कई दूसरी लड़कियों पर पड़ी है। हमें यकीन है कि वक्त के साथ साथ ये आग भी बुझ जाएगी और सलीम अपना रुख दूसरी तरफ कर लेंगे। मगर अगर खुर्रम के बारे में दोबारा मनमानी की तो हम तुम्हें यहां से बाहर फेंक देंगे। आज तो तुम्हारी शक्ल देखने का भी मन नहीं कर रहा, दफा हो जाओ यहां से। मुगल फौज राजपूताना और दक्कन दोनों तरफ उलझी हुई है और हम चाहते हैं कि नए सिरे से दोनों खेमों में कार्रवाई करें। आप क्या कहेंगे अबुल फजल? जहां बनाओ, फिलहाल तो खाने खनन राजपूताना में राणा प्रताप से जूझ रहे हैं और जैसे कि हम सबको इल्म है, उनसे जीत हासिल करना अभी तक नामुमकिन रहा है। और दूसरी ओर यह दक्कन का मैदान है जहां हम कई बरसों से अपनी जगह को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने खंदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकंड में जो अपने वजीर भेजे थे उन्हें खाली हाथ लौटा दिया गया है, और तो और उनमें से एक का कत्ल भी कर दिया गया है। हमारी नजर में ऐलान जंग का वक्त आ चुका है, हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। जहां बनाओ, जहां बना, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमें राजपूताना की कार्रवाई में ज्यादा दिलचस्पी है, दक्कन में नहीं। राणा प्रताप से हम लोहा लेना चाहते हैं और इस बार उन्हें हार का मुंह दिखाना चाहते हैं। तो क्या आप एक बार फिर से राजपूताना जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल जापना। बहुत खूब शहजादे सलीम। जहां बनाओ, हमारी राय में शहजादे सलीम राजपूताना की कार्रवाई के लिए सबसे सही दावेदार है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम एक और सिफारिश करें, दक्कन की कार्रवाई शहजादे दानियाल को सौंप दी जाए।
शहजादे। आप माफ कीजिए झापना, आप एक बार फिर से आपके फैसले पर गौर करना चाहेंगे? यह हमारा आखिरी फैसला है। तो तय हुआ, राजपुताना की कार्रवाई शहजादे सलीम को सौंपी जाती है और दक्कन की कार्रवाई शहजादे दानियाल को। क्यों, आखिर आपको पता है कि दक्कन हमारे लिए कितना जरूरी था, लेकिन आपने फिर से राजपुताना। काश कि आपने एक बार हमसे जहमत करके राय मांग ली होती। शहजादे, हमारी परेशानी की वजह सिर्फ यही है कि आज तक आपने हर छोटी बड़ी बात हमसे जाहिर की है। हम आपके दोस्त हैं और अब अचानक ये रवैया क्यों? आप दोनों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं और हमारे फैसले के पीछे एक वजह है। क्या वजह है? आज तक तो आप दक्कन के पीछे जा रहे थे, अब अचानक क्या हो गया? और जहां हम पहले ही हार चुके वहां दोबारा जाने का क्या सबब? कहीं आप जीतने की जिद में तो वहां नहीं जा रहे? शहजादे जरा समझिए, ये वक्त गुरूर के बिना पर फैसला करने का नहीं है, ना कि जल्दबाजी का। शहजादे आप सुन भी रहे हैं? शहजादे, मैंने कहा ना कि आप दोनों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या चल रहा है? हमारी समझ के बाहर है और हमें किसी पे शक तो जरूर हो रहा है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम इशारा।